हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। आज हमारा जो विषय है वो पढ़ाने का विषय नहीं है, आज हमारा विषय है कुछ करने का, कुछ समझने का, कुछ जानने का, सच्चाई क्या है। हम बात कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर की। गूगल प्ले स्टोर एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के, और उस गूगल प्ले स्टोर के अंदर रखा जाता है, जिसको बच्चे डाउनलोड करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। खासकर इसका इस्तेमाल जो होता है वो एजुकेशनल इंडस्ट्री के अंदर होता है, यानी कि एजुकेशन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हज़ारों लाखों प्लेटफॉर्म हैं, जो अपने अपने एकेडमी के, अपने अपने संस्थानों के उन्होंने प्ले स्टोर बनाए हुए हैं, सॉरी ऐप बनाए हुए हैं और गूगल प्ले स्टोर में रखा गया है। जैसे उत्कर्ष क्लास ले लो, चाहे आप करियर व्हील का ले लो, चाहे आप एग्जामपुर का ले लो, और भी लाखों हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना सॉफ्टवेयर रख सकते हो। और पहले ये जो चार्ज करता था, ये लगभग 12% चार्ज करता था, यानी कि एक बच्चे का, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो उसका आप 11% 10% आपको उनको देना पड़ता था। मगर अभी इसने रिसेंटली क्या काम किया, इसने कहा कि मुझे 10% नहीं और 12% नहीं, मुझे 30% चाहिए, यानी कि 30%। यानी कि अगर आप 100 रुपये अपनी ऐप से कमाते हैं तो 30%, यानी कि 30 रुपये कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा गूगल प्ले स्टोर। और उसके बाद में इंडिया का अपना GST है जो 18% लेता है एजुकेशन के ऊपर, यानी कि 18% GST इंडिया को देना है। और 30 रुपये किसको देने हैं आपको? ये 30 रुपये देने हैं आपको गूगल प्ले स्टोर को। यानी कि अगर हम दोनों का काउंट करते हैं तो ये 48% बनता है, 48 रुपये 100 में से बच गए, बीच में 52 जो लास्ट में बचते हैं उसमें से आपको प्रॉफिट भी कमाना है, उससे आपको खुद का खर्चा भी निकालना है। यानी कि जो 30% जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है, 30% जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है। तो यानी कि जो पैसा 30% जिसमें से वो एक एजुकेशनलिस्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, वो 30 रुपये जहाँ पर हज़ार तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता था, यानी कि अपना प्लेटफॉर्म बेहतर कर सकता था, या उसका स्टाफ है उसका इंक्रीमेंट कर सकता था, यानी कि वो जाओ जो पैसा उसका खर्च होना था इंडिया के अंदर, वो पैसा कहाँ हो रहा है? बाहर जा रहा है। और ये उनका मनमाना रेट है। और उन्होंने कई सारे ऐप्स को, लगभग 10 ऐप को उन्होंने क्या कर दिया है, अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर बात करता हूँ जो 10 ऐप हैं, जैसे कुकू एफएम है, जैसे भारत मैट्रिमनी है, naukri.com है, शादी है, 99acres है, यानी कि बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको उन्होंने हटा दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि आप हमें 30% जो पैसा है वो आपको हमें लौटाना पड़ेगा, वरना हम आपको आपकी जो ऐप है वो हमारे गूगल प्ले स्टोर से हटा देंगे। तो मैं जब सुबह ये वीडियो देख रहा था तो राकेश यादव सर हैं, जो कि आपको पता होगा एक जाने माने शख्सियत हैं, एक बहुत बेहतरीन टीचर हैं, उन्होंने जो करियर व्हील ऐप जो है वो उन्हीं का है, उनके फाउंडर हैं। तो उन्होंने अपने एक वीडियो बना के डाला हुआ था कि ये ऐसे ऐसे होने जा रहा है कि 30% पैसा आपको गूगल प्ले स्टोर को देना होगा आप किसी भी हालत में, वरना तो आपका जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। तो वो काफ़ी घबराए भी हुए थे और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में वो रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये आज जो जिस हिसाब से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एजुकेशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बहुत सस्ते में मिल रही है, वो लगभग 4-5 गुना बहुत महंगी हो जाएगी। और ये मान लीजिए कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर है, जो अभी बच्चे जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत महंगा हो जाएगा। और यानी कि ये एजुकेशन जो ऑनलाइन जो है, आज हम घर बैठे बहुत सस्ते से पैकेज लेकर हम बहुत एजुकेशन ले रहे हैं बहुत अच्छी, ये ऐसा भविष्य में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया और मुझे लगता है कि आप सभी को ये जो वीडियो जो है, ये जो हम एक पहल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके प्रति सख्त अपना एक्शन लेना चाहिए, और इसके ऊपर एक्शन ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका एक खुद का एक ऐप बनाए, एक इंडियन प्ले स्टोर बनाए, जहाँ पर हम इंडियन कम से कम एटलीस्ट अपनी एजुकेशन को जो प्लेटफॉर्म है वो अपने रख सकें। और अगर ऐसा ये बढ़ता रहा तो हो सकता है फ्यूचर में भी ये बढ़ा दें। तो मेरे कुछ सुझाव हैं और आप भी अपने सुझाव जो हैं वो इस कमेंट सेक्शन में डालें। अगर ये जो मोनोपोली प्ले स्टोर मोनोपोली पॉलिसी है, अगर अपने मनमाना जो रूल जो थोप रही है हम सब के ऊपर, इंडियंस के ऊपर, तो अगर ये लागू हो जाएगी इंडिया के अंदर, तो ये मान लीजिए कि इंडिया की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो हर हाल में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इतना
पे कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर होंगे तो सिर्फ 2% प्लेटफॉर्म, यानी कि 98% जो प्लेटफॉर्म है वो बर्बाद हो जाएंगे। 98% प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन के, वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 30% एक बहुत ज़्यादा चार्ज है। सरकार को इस मोनोपोली के प्रति सख्त कदम उठाने चाहिए। पहला पॉइंट है कि सरकार को इस मोनोपोली के प्रति सख्त कदम उठाने चाहिए। सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से, अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर जो गूगल प्ले स्टोर जो सिस्टम है, अगर ये एक बार अपनी जड़ें जमा लेगा तो इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इस बार हम जमकर खुलकर नहीं बोले और सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, तो इसकी जड़ें इतनी गहरी चली जाएंगी कि उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह जो ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर ऐप है, ऐप रखने की जो टेक्नोलॉजी है, वो हम सभी भारतीय इस पर डिपेंड हैं और इसे इंडिया में ही बनाया जाना चाहिए। यानी कि हमारे जितने भी ऐप्स हैं, जो डिजिटल ऐप्स जो हम बनवा रहे हैं, क्योंकि हम भी सोच रहे थे कि एक हमारा भी एक एजुकेशन ऐप हो, कैरियर ट्यूटर नेटजार्प के नाम से एक प्लेटफॉर्म हो, और हम भी सोच रहे थे कि ये इसके ऊपर हम अपना एक अलग से एजुकेशनल ऐप बनाई। मगर जब से मैंने ये मैसेज देखा है, ये जो मैसेज सर्कुलर में आया है, तो मैं भी काफ़ी हैरान हूँ और काफ़ी परेशान हूँ। इसका फ़ायदा हम चाइना से भी सीख सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास अपने खुद के ऐप हैं, खुद का प्लेटफॉर्म है, तो चाइना में ऐसा नहीं हो पाया, तो इंडिया में भी ऐसा किया जाना चाहिए। उसका एक इंडियन गवर्नमेंट का एक स्पेशल अपना प्ले स्टोर होना चाहिए। और यह जो पहल है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाना चाहिए। ये जो स्टॉप गूगल प्ले स्टोर, ये जो मोमेंट है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों को समर्थन करना है। वरना आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन ले रहे हैं, आप इतनी सस्ती एजुकेशन इंडिया में ले रहे हैं, ये भविष्य में नामुमकिन हो जाएगी और इम्पॉसिबल भी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को अपना प्ले स्टोर बनाना चाहिए। सरकार इसे नज़रअंदाज ना करे, यानी कि सरकार बोलती है कि चलो हम बात करते हैं गूगल से, और इस प्ले स्टोर ऐप के जो फाउंडर हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, उनसे बात करते हैं। अगर सरकार ने इसको हल्के में लिया, तो ये हमारे लिए बच्चों भविष्य में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आने वाला है। और ये जो चैलेंज है, ये इतना भयंकर होगा कि पूरी की पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को, 98% एजुकेशन इंडस्ट्री जो प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में, वो बर्बाद हो सकते हैं। और सरकार को इस मुद्दे पर जल्दी जितना हो सके उतना एक्शन लेना चाहिए। तो आप एक बार जो हमारे राकेश यादव सर हैं, उसका वीडियो आप जरूर देखिए। उनका एक खुद का चैनल है, जो राकेश यादव सर जो जहां पर मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ भाई राकेश यादव सर, वहां पर जाइए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सो हमने तो इस वीडियो के माध्यम से जो डिलीवर करना था, एक छोटा सा मैसेज आपको दे दिया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्टिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट करें और सपोर्ट करें इस पूरी मुहिम को, इस मोमेंट को, ताकि इस एजुकेशन इंडस्ट्री को बचाया जा सके। क्योंकि लाखों टीचर्स जो हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड हैं। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा जो डिजास्टर है, ये आप सभी को और हम सभी को फेस करना पड़ेगा। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।